हेलो गाइस गाइस, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं रेजिस्टेंस के बारे में। गाइस, आपने जो है अक्सर रेजिस्टेंस देखे होंगे, उनको जो है आपने ऐसा भी देखा होगा, कोई रेजिस्टेंस छोटा है, कोई रेजिस्टेंस मोटा है। ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हैं मेरे पास काफी ज्यादा जो है यहाँ पे अलग अलग वेरायटी के जो है रेजिस्टेंस है मेरे पास रखे हुए हैं। ठीक है, अब आप कोई मान लीजिए आपने कोई सर्किट बनाया है। ठीक है, अब आप जो है थोड़े से उसमें कंफ्यूज आते हैं कि उनकी जो है वैल्यू तो सेम होती है। गाइस, मान लीजिए इसका भी जो कलर कोड है वो भी यही है, वो भी सेम है इसके जैसा। ठीक है, पर आप यहाँ पे देख सकते हैं इसका साइज क्या है और इसका साइज क्या है। ठीक है, ये जो है कितना छोटा है और ये इससे कितना बड़ा है। पर गाइस, इनकी जो है जैसे मान लीजिए इसकी भी 10 किलो ओम है और इसकी भी 10 किलो ओम है। ठीक है, अब आप कंफ्यूज जाते हैं कि कौन सा रेजिस्टेंस आप जो है अपने सर्किट में लगाएं। ठीक है, तो इसी के बारे में हम जो है गाइस आज की वीडियो में बात करने वाले हैं और देखने वाले हैं कि किस तरह से हम पता लगाएं कि हमारा जो रेजिस्टेंस है वो कितने वाट का है और आप उसको किस तरह से कहां पे सर्किट में यूज कर सकते हैं। तो गाइस, आज की वीडियो में बने रहना है और जानने वाले हैं कि किस तरह से हम इनको जान सकते हैं। तो गाइस, चलिए वीडियो में बढ़ते हैं आगे। तो गाइस, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरे पास यहाँ पे काफी ज्यादा वैरायटी के जो है रेजिस्टेंस मेरे पास रखे हुए हैं, छोटे से बड़े। ठीक है, इनसे बड़े भी होते हैं, मैं ये नहीं कह रहा इतने ही होते हैं, इनसे बड़े भी होते हैं और गाइस इनसे छोटे भी होते हैं। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखनी है बात। ठीक है, तो गाइस हम जो है यहाँ पे सबसे पहले इनकी जो है वैल्यू को जान लेते हैं। मान लीजिए हम जो है सबसे पहले इनकी जो वाटेज है उनको हम सबसे पहले जान लेते हैं। गाइस, सबसे पहले मैं जो है आपको इनकी सबकी जो वाटेज है वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। ठीक है, सबसे पहले आप यहाँ पे देख सकते हैं मेरे पास यहाँ पे सबसे छोटा रेजिस्टेंस है जिसका जो वाटेज है वो है क्वार्टर वाट, यानी 1/4 वाट। ठीक है, आप यहाँ पे लिखा हुआ भी देख सकते हैं। ठीक है, 1/1 मैं इसमें लिख भी दूंगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो है क्वार्टर वाट में है और ये जो है हाफ वाट में है। ठीक है, और ये जो है यहाँ पे ये है मेरे पास 1 वाट में। ठीक है, और यहाँ पे ये वाला जो है मेरे पास ये है 2 वाट में और ये जो है ये है 4 वाट में। ठीक है, ये जो है गाइस उससे ऊपर भी आता है, 5 वाट का भी आता है, 10 वाट का भी आता है, 20 वाट का भी आता है। पर गाइस फिर जो है इनकी जो है यहाँ पे जो इमेजेस देख रहे हैं आप यहाँ पे, ठीक है, ऐसे नहीं दिखेंगे, फिर आपको ये व्हाइट कलर में आ जाती है इनकी पट्टियां। ये जो है मैंने देखे हैं पर मेरे पास अभी अवेलेबल नहीं है तो मैं आपको नहीं दिखा सकता। तो गाइस मैंने जो है आपको इनकी जो है वाटेज तो बता दी है, पर आप इनको किस तरह से पहचान सकते हैं। गाइस, ये जो है इनको आप इजिली तो पहचान सकते हैं। ठीक है, आपको जो है थोड़ा सा एक्सपीरियंस होना चाहिए, आपको जो है हर सर्किट में देखने हुए आना चाहिए। आप यहाँ पे इनके साइज को देखते हुए आप इनकी वैल्यू को इजीली बता सकते हैं, यानी आप जो है इसके वाटेज को इजीली बता सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो है सबसे ज्यादा यूज किया जाता है इस रेजिस्टेंस। ठीक है, चलिए मैं जो है इसका थोड़ा सा बताता हूँ कि इसका जो है क्या कंडीशन है। गाइस, आपने जो है ये अक्सर स्मॉल जो छोटे सर्किट होते हैं उनमें आपने जरूर लगे हुए देखे होंगे, क्योंकि उसमें जो है सप्लाई बहुत कम जाती है, यानी नॉर्मल जो सप्लाई जाती है 5 वोल्ट 9 वोल्ट और 12 वोल्ट जो है जो कि हम छोटे छोटे सर्किटों में यूज करते हैं। गाइस, इसलिए जो है इन रेजिस्टेंस का सबसे ज्यादा यूज किया जाता है। ठीक है, हमारे सर्किटों में सबसे ज्यादा यूज किया जाता है। ठीक है, अब अगले में आते हैं, ये भी गाइस ये भी यहाँ पे यूज किए जाते हैं, इन पर इसमें जो है थोड़ी वोल्टेज बढ़ जाती है, जैसे मान लीजिए 12 वोल्ट हो गई, 24 वोल्ट हो गई, ठीक है, 36 वोल्ट हो गई, तो ये जो है यहाँ पे यूज किए जाते हैं। गाइस, ऐसे ही ये भी यहाँ इतने पे ही यूज किए जाते हैं। पर गाइस, जैसे ही ये जो 2 वाट का रेजिस्टेंस आता है वैसे ही यहाँ पे इनकी जो है वोल्टेज एकदम से ही बढ़ जाती है। इसमें जो है हम इनको किस तरह से यूज कर सकते हैं, हम इनको ज्यादातर आपने देखा होगा इन जो ये जो बड़े बड़े सर्किट्स होते हैं उसमें ये जो है 220 वोल्ट के आसपास को लगाए जाते हैं, जिससे उनको जो वोल्टेज है वो बहुत ज्यादा कम कर देते हैं। और उससे जो है अगर हम गाइस मान लीजिए आपने जो है ये वाला जो रेजिस्टेंस है ये वाला रेजिस्टेंस इसकी जगह लगा दिया, ठीक है, ये वाला रेजिस्टेंस इसकी जगह आपने लगा दिया, तो गाइस क्या होगा, ये जो है थोड़ी ये वर्क तो करेगा, ये मैं नहीं कह रहा, मैं ये नहीं कह रहा गाइस ये जो है वर्क नहीं करेगा। गाइस, वर्क तो करेगा, पर कुछ घंटों बाद अगर आप इस सर्किट को ऑन रखते हैं तो ये जो है क्या होगा, ये जो है गर्म होके और ये यहां से फट जाएगा, यानी ये जो है बेकार हो जाएगा। तो गाइस इसी तरह से आपको जो है हर सर्किट में देख के लगाना पड़ता है कि कितने वाट का आप यहाँ पे रेजिस्टेंस लगा रहे हैं, वो आपके सर्किट के हिसाब से है। ठीक है, आप मान लीजिए ये वाला रेजिस्टेंस है, अब इसकी जगह मैं जो है ये वाला लगा देता हूँ। ठीक है, तो इसका क्या होगा गाइज आप समझ सकते हैं, जैसे ही मैं सर्किट को ऑन करता हूँ तो ये जो है एकदम से भी फट सकता है और ये थोड़ा टाइम भी लगा के भी फूक सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप जो है इस तरह से आप इनके वोल्टेज को यहाँ पे देख सकते हैं। मैंने आपको इसमें जो है सारी चीजें इसमें बता दी है। और गाइज इन रेजिस्टेंस में जो है एक सबसे बड़ी बात बताना चाहता हूं मैं आपको, अगर आप इनको शॉप पे लेने के लिए जाते हैं तो आपका ये जो रेजिस्टेंस है यानी इसके जितने वाट बढ़ते हुए चले जाएंगे उतने ही ये जो रेजिस्टेंस है वो महंगे होते चले जाएंगे, और जितने वाट इसके घटते चले जाएंगे उतने ही ये जो है सस्ते होते हुए चले जाएंगे। ठीक है, मान लीजिए आप जो है इस रेजिस्टेंस को लेकर जाते हैं तो ये जो है आपको 1 से 2 रुपए का रेजिस्टेंस मिल जाएगा, पर वैसे ही जैसे ही आप इनकी वाटेज को बढ़ाते जाते हैं तो ये 5 का आ सकता है वाला। ठीक है, ये दोनों 5 का आ सकते हैं, फिर उसके बाद ये 10 का हो सकता है, फिर ये उससे ज्यादा का हो सकता है। ठीक है, तो ये जो है आपको जरूर पता होना चाहिए। और आपको जो है जब भी आप रेजिस्टेंस लेने के लिए जाएं शॉप पर तो आपको जो है उसको बोलना जरूर पड़ेगा कि भाई रेजिस्टेंस की वैल्यू तो आप बता सकते हैं कि मान लीजिए 10 किलो ओम का रेजिस्टेंस है, पर वो गाइस ये भी पूछेगा आपसे कि जो आपको रेजिस्टेंस लेना है वो कितने वाट का लेना है, क्योंकि ये जो है हर किसी के हिसाब से अलग अलग आते हैं। तो आपको जो है बोलना पड़ेगा कि क्वार्टर वाट का चाहिए मुझे या फिर हाफ वाट का चाहिए, 2 वाट 1 वाट का चाहिए 2 वाट का चाहिए 4 वाट का चाहिए। ठीक है, वो जो है आपको उसको बताना पड़ेगा जब ही वो वहां से निकाल के देगा। ठीक है, तो गाइस इस वीडियो में मैंने आपको जो है सारी चीजें रिकवर करने की कोशिश करी है, पर फिर भी अगर मैं इसमें कुछ भूल जाता हूं बताना तो प्लीज एक बार नीचे जरूर कमेंट करके पूछ लेना कि भाई इसके बारे में बता दो। ठीक है, और अगर आपने जो है अभी तक मेरा चैनल जो है विजिट नहीं किया तो यार प्लीज एक बार विजिट जाके जरूर कर लेना। और यहां पे मैं आपको बताना चाहता हूं एक वीडियो और लेके आने वाला हूं मैं, जिसमें हम जो है जानने वाले हैं
कि हम जो है किस रेजिस्टेंस को कहां पे लगा सकते हैं। ठीक है, ठीक है, तो हम जो है उस वीडियो को आगे लेके आने वाले हैं, तो आप जो है चैनल को एक बार सब्सक्राइब जरूर कर लेना। और वैसे आप जो है और कंपोनेंट के बारे में जानकारी लेना चाहते हैं तो यार प्लीज एक बार नीचे जरूर कमेंट कर देना और बता पूछ लेना मुझसे कि भाई ये वाला रेजिस्टेंस ये कहां पे लगेगा और ये जो कैपेसिटर है ये किस तरह से लगाएं। तो यार प्लीज एक बार नीचे कमेंट जरूर करके पूछ लेना, मैं जो है उसका रिप्लाई 100% दूंगा। ठीक है, तो बस गाइस आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज अगर वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।